गुड मॉर्निंग हस्बैंड जी। गुड मॉर्निंग। देखिए घर में अभी सब सोया हुआ है। अंकिता जो है सो तैयार श्यार हो गई है, इतना सवेरे सवेरे नहा धोवा के तैयार हो गई है। देखिए केला को उबाल लिए है। अब इस उबला हुआ केला में से हमको सिर्फ केला निकालना है, उसके बाद ये जो खाइएगा ना रोटी के साथ आप सब्जी भूल जाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ऑफकोर्स अच्छे ही होंगे, है कि नहीं? तो देखिए मानसून तो आ गई है, अब बारिश भी तेज के हो रही है, तेज के हो रही है। तीन चार दिन से होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है। ये बारिश है ये अभी रुकने के नाम ही नहीं ले रही है। आज तो रात 12 बजे से बारिश जो शुरू हुई है, अभी जो है सुबह के 6 बजने वाला है, अभी तक बारिश लगातार होते रही है, हैं? अभी आगे भी होगी, अभी तो 6 ही बजने वाला है। अभी तक लगातार 12 बजे रात से लेकर के 6 बजे सुबह तक के बारिश लगातार हुई है, और मानसून इस बार बहुत अच्छे तरह से आई है। अब देखिए बारिश होना भी बहुत ज़रूरी था, है ना? बारिश नहीं हो रहा था, बहुत गर्मी था, बहुत ही ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम था, सबको प्रॉब्लम होता था। बारिश होना भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी था, है कि नहीं? तो ये देखिए आज का मौसम, पूरा आसमान में बादल लगा हुआ है, अब बारिश हो रही है, अभी रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, है ना? पूरा रोड जो है से गीला हो चुका है। देखिए अभी कब तक के बारिश अभी होगी। ये देखिए अभी तक अर्नब सोया हुआ है, इसका अलार्म बज रहा है, अब इसको स्कूल जाने का इसका भी समय हो गया है, अब जगेगा। अर्नब, ए लड़का जल्दी जग। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए मेरे नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को मिलिए इनसे, भूख लग चुका है तब दाना दे देते हैं। गुड मॉर्निंग अंकिता। तो देखिए घर में अभी सब सोया हुआ है, अंकिता जो है सो तैयार श्यार हो गई है, इतना सवेरे सवेरे नहा धोवा कर तैयार हो गई है, इतना ठंडा पानी में, और मौसम भी ठंडा और पानी भी ठंडा, फिर भी अंकिता नहा ली है। इतना सुबह सुबह 5 बजे ही नहा ली है, नहा धोवा कर रेडी हो गई है, क्योंकि अंकिता आज कहीं जा रही है। कहाँ जा रही है अंकिता वो बताते हैं। तो हस्बैंड जी भी जग गए हैं और हस्बैंड जी भी तैयार हो रहे हैं फटाफट से, इतना बारिश हो रही है फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अंकिता तो जा ही रही है, अंकिता के साथ साथ अंकिता के पापा भी जा रहे हैं। तो अब जो है मेरे हस्बैंड जी तैयार हो रहे हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि गाड़ी आ गया है, तो गाड़ी आ गया है तो जाना तो जरूरी है कि नहीं? तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं क्या, मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा न्यू ब्लॉग वीडियो अपलोड हो तो आप सब तक के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़ पाए, है कि नहीं? और एक लाइक और एक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, बने रहिए अंत तक के, मिलते हैं ब्रेक के बाद, है कि नहीं? अर्नब को देखिए ब्रश कर लिया है और उसके बाद मौसम देख करके और उसके बाद फिर से सो गया है, क्योंकि बारिश हो रही है तो आज जो है ये स्कूल नहीं जाएगा, अब फिर से चद्दर टान के फिर से सो गया। हस्बैंड जी भी नहा धुआ के हो गए हैं रेडी और गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग हस्बैंड जी। गुड मॉर्निंग। तो गाड़ी आने में हो रही है विलम्ब, तो अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ये छाता। ओ मेरे हस्बैंड जी बोले एडमिट कार्ड, ये तो बहुत जरूरी के ही चीज है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा चीज इम्पोर्टेंट ये छाता भी है ना? तो अंकिता सारा सामान पैक कर रही है अपने बैग में रख रही है, कुछ छूट ना जाए। और हस्बैंड जी है याद दिला रहे हैं ये ली वो ली, तैयार हो करके बाप बेटी अब निकल लेगी। और इधर देखिए ये छोटी है और ये अर्नब है, ये दोनों जग के ब्रश करके उसके बाद सो गया है, सो गई है वो भी चद्दर टान के। देखिए अर्नब की उंगली देख सकते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो इसीलिए ये लोग देख करके बारिश को अब फिर से चद्दर टान करके सो चुकी है, सो गया है। तो गाड़ी आ गया है
अब हस्बैंड जी निकल गए घर के बाहर, क्योंकि नीचे ग्रिल भी खोलना है। इधर अंकिता जो है चप्पल पहन रही है। अब जल्दी जल्दी ये लोग निकल रही है घर से। खुशी रहो और अच्छा से लिखना। तो अंकिता फिर से निकली है एग्जाम देने के लिए, तो आप लोग बोल दीजिए ऑल द बेस्ट। तो आज हम नीचे आ गए हैं, आज नीचे से बाय बाय करेंगे। बाय। देखिए अंकिता का जो है छाता खुल गया और अंकिता के पापा और अंकिता घर से निकल गए हैं अपनी लक्ष्य की ओर। बाय। गाड़ी है वहां रोड पे लगा हुआ है। तो निकल गए अंकिता के पापा और अंकिता। तो अंकिता जो है सो इस बार फिर से एग्जाम देने गई है, और आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, है ना, कि अंकिता एग्जाम में पास हो जाए। तो बारिश का समय है, घर में अंकिता नहीं है, हस्बैंड जी नहीं है, आ जाएंगे। और अर्नब जग गया है, छोटी भी जग गई है, और खाना बन रहा है। तो अभी बारिश का समय है, तो बारिश के समय में कुछ अच्छा बनना चाहिए, है कि नहीं। तो आज खाने में क्या बनाएंगे वही सोच रहे हैं, है ना, क्या बनाए, कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो परवल है और केला है, तो चलिए केला बनाते हैं। आज जो है केला का सब्जी बनाएंगे, और केला का सब्जी में क्या बनाएंगे, केला का कोफ्ता पकौड़ी, है ना। आप लोग बनाते हैं? अगर आप लोग केला का कोफ्ता बनाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, कि आप लोग भी केला का कोफ्ता बनाते हैं। और सबसे मेन पता है, ये केला का तो कोफ्ता बनाएंगे ही बनाएंगे, और केला का छिलका जो देख रहे हैं ना, उसका भी कुछ बनता है। आप लोग कभी बनाए हैं? नहीं बनाए होंगे। अगर बनाए होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं बनाए हैं कभी केला का छिलका का कुछ, तो फिर आज बनाना सीख जाइएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है केला का कोफ्ता बनाने के लिए जो है सो केला को हम लोग उबालेंगे। तो इसका जो है सो ये जड़ मुंह काट के हटा देंगे, और उसके बाद कुकर में दे करके दो सीटी में हो जाता है लगा करके। और उसके बाद जो है सो उबाल करके, और उसके बाद जो है सो केला का छिलका हटा करके उसमें से केला निकाल करके, और उसका पकौड़ी बनाएंगे कोफ्ता, और उसके बाद उसका सब्जी बनाएंगे। अब वो ये जो छिलका जो है, जो उबालने के बाद ये छिलका जो हम हटाएंगे, तो उस छिलका का जो है सो कुछ नया बनाने वाले हैं, है ना। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ, फटाफट से इसको धो करके उबाल लेते हैं, फिर आगे के बताते हैं। तो ये देखिए केला उबल चुका है। देखिए केला को उबाल लिए है। अब इस उबला हुआ केला में से हमको सिर्फ केला निकालना है, ये भी गर्म है। तो ये है केला और ये है छिलका, ये छिलका को अलग कर देंगे और सिर्फ केला को रखेंगे, और उसके बाद जो है इसको हम अच्छे तरह से मिलाएंगे। तो केला अलग, छिलका अलग, है ना, और ये गर्म है क्योंकि अभी अभी जस्ट उबाले हैं। अब इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर देते हैं। अर्नब बाजार से बेसन खरीद करके ले आया है, इसमें बेसन पड़ेगा, मिलाएंगे, है ना। तो इसको मिक्स कर लिए। अब इसमें सारा सामान मिला देते हैं। सबसे पहले बेसन अपने हिसाब से मिलाइए, आपके पास जितना केला बना रहे हैं उसके हिसाब से बनाइएगा। मेरे घर में जितना सब्जी बनता है उसके हिसाब से हम बना रहे हैं, आपके घर में जितना बनता है उसके हिसाब से मिलाइए। बेसन, नमक,
मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और क्या कहता है गोल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। और इसमें जो है ना सो हरी मिर्च भी दीजिएगा काट करके। आज इसका ही बनेगा पकौड़ी, केला का पकौड़ी, क्योंकि मौसम बहुत सुहावना है ना, इसलिए हम लोग बना रहे हैं केला के पकौड़ी। तो देखिए इसको अच्छे से मिला लिए थे हैं, और इधर गोल गोल करके पकौड़ी की तरह तेल में फ्राई कर लीजिए। हम भी कर रहे हैं, इधर देखिए थोड़ा फ्राई करके निकाल चुके हैं। ऐसे ही पूरा को फ्राई करके निकाल लेंगे और उसके बाद जो है सो रस लगा लेंगे और रस में डाल देंगे। अगर इसको पकौड़ी खाने का मन है तो इसे पकौड़ी भी खा सकते हैं, है ना, रोटी के साथ, भात के साथ। और नहीं तो इसको सब्जी बनाने का मन है तो सब्जी बनाइए, सब्जी में रस लगाना पड़ेगा। तो फटाफट से हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद केला का छिलका अभी बाकी है। तो आज केला से बना रहे हैं हम दो चीज, एक तो केला का कोफ्ता वाला सब्जी बना रहे हैं और एक केला का छिलका का कुछ बनाने जा रहे हैं, है ना। तो पकौड़ी बनके तैयार है, इधर मसाला भी तैयार बस लगभग हो ही गया है। अब जो है ये केला का छिलका जो हम उबाले थे, ये केला जो उबाले थे उसका छिलका जो है इसका हम पीस पीस काट लिए हैं। देखिए पीस पीस काट लिए हैं। अब मिक्सी में जो है इसको हमको पीसना है। तो इस केला के छिलका में हम प्याज देंगे और हरी मिर्च देंगे और थोड़ा सा जो है लहसुन डालेंगे। अब इसको जो है अच्छे तरह से पीस लेते हैं पहले मिक्सी में, है ना, फिर मिलते हैं। तो देखिए इधर रस बन के तैयार हो गया है। और ये देखिए ये केला का छिलका को हम बढ़िया से पीस दिए हैं मिक्सी में, हैं। अब जो है इसमें जो है सो ये हम थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च जो है सो काट के रखे हैं। इसमें प्याज और हरी मिर्च हम पीसे भी है लेकिन थोड़ा सा काट के रखे हैं ऊपर से देने के लिए। और इसमें नमक दे दीजिए या थोड़ा सा तेल है। तो हम इसमें तेल थोड़ा सा दे दिए हैं। अब इसको जो है अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे, है ना। उसके बाद ये जो खाइएगा ना रोटी के साथ, आप सब्जी भूल जाइएगा। सब्जी से ज्यादा टेस्टी जो है सो ये चटनी, इसको हम लोग चटनी बोल सकते हैं, हैं। जैसे आलू का चोखा बनाते हैं तो वैसे ही सेम सेम ये है। सब्जी भूल जाइएगा, इतना मेहनत लगा ना सब्जी बनाने में, वो भूल जाइएगा। इसके सामने में सब्जी फेल है। ये एक बार आप लोग भी घर में बनाइए और खा के देखिए, फिर कहिएगा कि हाँ वाकई में बहुत टेस्टी है। इसमें नमक मिला दीजिएगा अपने हिसाब से और हम भी मिला दिए हैं। अब बस चटनी बन के हो गया है रेडी। और इधर तो केला से हम दो चीज बना सकते हैं, है ना, एक छिलका से चटनी और केला के सब्जी, सब्जी पकौड़ी कोफ्ता जो बोलना है बोलिए। ऐसे सूखा भी आप खा सकते हैं। और इसको हम रस में डाल देंगे तो रस में डालने के बाद ये सब्जी बन जाएगा। वैसे ये अभी तो सूखा सूखा है तो टिकरी है पकौड़ी। अब इसको हम रस में डाल दे रहे हैं तो अब ये जो है सो सब्जी बन जाएगा। कुछ सूखा भी छोड़ देते हैं, है ना, सूखा भी अच्छा लगता है रोटी के साथ भात के साथ खाने में, और वैसे भी आप खा सकते हैं। तो आज बारिश के दिन में कुछ अच्छा खाना हो जाए तो हम बनाए हैं अपने हाथों से केला का पकौड़ी, है कि नहीं, केला का कोफ्ता भी बोल सकते हैं और केला का चटनी भी। तो आइए फटाफट से और मेरे हाथ का बना हुआ सब्जी खाइए और बताइए कि कैसा बना है। वैसे नहीं खा सकते हैं तो आप लोग अपने घर में बनाइए और उसके बाद खाई करिएगा कि सच में अच्छा लगा कि नहीं, सच में हम जो बनाए हैं वो पसंद आया कि नहीं। एक बार ट्राई जरूर करिएगा, है ना, हमेशा ट्राई करना चाहिए, अच्छा लगे या ना लगे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बाद में कहीं पछतावा ना हो। तो आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़े रहे इसके लिए दिल से थैंक यू। तो अब हम मेरा खाना बन के कंप्लीट हो गया, तो अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, भूख बहुत जोर का लग चुका है कि नहीं। बाय बाय।